हम कुछ मज़े का खाने के लिए बाहर जाने के बहाने ढूंढा करते थे कि पिज्ज़ा खाना है तो रेस्टोरेंट जाना है, बारिश होगी तो पकोड़े बनाएंगे, कोई फेस्टिवल होगा तो स्नैक्स बनाएंगे। लेकिन अब तो लाइफ ने हमें ऐसा परमानेंट मौका दिया है कि अब हमें जो भी कुछ खाना है घर में बनाना है और ख़ुद बनाना है। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो जी, मैं बना रही हूँ 1 मिनट मग ब्राउनी और उसकी रेसिपी मैंने साथ साथ मेंशन कर दी है कि आपको किस क्वांटिटी में क्या क्या डालना है। बहुत ही इजी रेसिपी है और लिटरली 1 मिनट में ही बन जाती है। अगर आपके घर में कोई भी मीठे का शौकीन है तो आप 1 मिनट में फटाफट से ये ब्राउनी बना सकते हो। बहुत ही इजी और क्विक है। और वैसे भी इस पेंडेमिक की वजह से हर इंसान का अंदर का जो छुपा हुआ शख्स है वो बाहर आ गया है और वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा आजकल एक्सपेरिमेंट्स करने लगी हूँ और डिफरेंट चीज़ें ट्राई करती हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं बनाई होती। सो आप लोग भी अगर इस तरह करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, आपका भी अच्छा टाइम पास हो जाता होगा। अच्छा जी, तो जो जो क्वांटिटी थी वो मैंने मेंशन कर दी है, आपने उसी को ही फॉलो करना है तो बहुत ही यमी ब्राउनी बनेगी। 1 मिनट ओवन में रखना है और उसके ऊपर आपकी ब्राउनी रेडी हो जाएगी। फिर आइसक्रीम स्कूप रखकर आपने इसको मज़े से इंजॉय करना है। चलिए जी, रमज़ान तो आ चुका है और मैं काफ़ी लेट वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। काफ़ी दिन पहले मैंने फिल्म कर ली थी लेकिन मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं मिला था, तो वीडियो पोस्ट नहीं कर सकी थी। तो जी, आज मैं बताती हूँ आप लोगों को कि मैंने रमज़ान की क्या क्या तैयारियाँ की हैं, क्या क्या पहले से बना कर रखा है और मैं ग्रॉसरी करके आई थी वो आप मुलाहिज़ा फरमाइए। इसके अलावा आलू, प्याज, फ्रूट्स, लेमन, टमाटर, चने, चलिए जी, ये है मेरी ग्रॉसरी। अब मैं इन सबको अपनी अपनी जगह पे रखूँगी और जो चने लिए हैं उनको बॉईल करने रखूँगी, फिर इनको फ्रीज कर दूँगी। नेक्स्ट डे सुबह सुबह उठते ही मैंने बॉईल करने रख दिए हैं आलू। और ये जो तरीका है दरमियान में लकड़ी का चमचा रखने के, मेरी बहुत अच्छी यूट्यूबर फ्रेंड है आफिज लाइफ, उन्होंने टिप दी थी और काफ़ी इफ़ेक्टिव रही है। अच्छा जी, छोले मैंने बॉईल करके फ्रीज कर दिए थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब आते हैं चटनी की तरफ कि कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले आपने धनिया और पुदीने का एक एक पंच साफ करके आपने अलग कर देना है। उसके बाद आपने 4 जवे लहसुन के छीलने हैं, 1 चम्मच ज़ीरा, हस्बे ज़रूरत नमक और 1 लेमन। इसके बाद 4 आपको चाहिए चिलीज काट के रख दें। अब आपने धनिया पुदीना अच्छी तरह से वॉश करके धोकर और उसमें ये सारी चीज़ें डालकर साथ चिलीज भी आपने ऐड कर देनी है और इसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड करना है, मिक्स करना है। 1 आपने लेमन स्क्वीज कर देना है इससे और थोड़ा सा पानी ज़्यादा नहीं डालिएगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लिक्विड हो जाता है, तो आपने जितना कम हो सके पानी डालें और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। पेस्ट बन जाएगा और ये इस स्पैचुला से आपने पेस्ट को बिल्कुल साफ़ करना है किनारों से क्योंकि पूरे जग में वो फैल जाता है, तो ये वाला बेस्ट रहता है, इससे आप अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हो। अब आपने चम्मच में पेस्ट लेना है और आइस क्यूब वाला ये जो सांचा है इसमें इन सब को फिल कर देना है इसी पेस्ट से और फ्रीज़ कर देना है। फ्रीज़ करके आप इसको निकालोगे और एक बॉक्स में डाल दोगे जैसा कि मैंने डाला है। और डेली जब भी आपने चटनी बनानी हो इसको आपने 2 क्यूब उठाकर और दही में मिक्स कर देने हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह बनती है। और इसे आपने इसको फ्रीज़ करके रख देना है। साथ ही मैंने बनाई थी इमली की चटनी और बस ये इसका प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, ये भी मैंने बना कर रख दी थी। मैंने देसी घी भी बनाया था, वो मैं रेसिपी तो शेयर कर चुकी हूँ, मक्खन वगैरह। इसके बाद मैं बना रही हूँ समोसों का मसाला, बहुत ही सिंपल है। आलू बॉईल कर दें और उसमें सारे मसाले डालने हैं जो जो भी आपको अच्छे लगते हैं, थोड़े से प्याज और उसको अच्छी तरह से मैश कर दें।
तो जी मेरा मसाला काफ़ी ज़्यादा बनाया था और मैश करके रख दिया है मैंने समोसे फिल करके, इसको भी मैंने बॉक्स में डालकर और फ्रीज कर दूंगी। ठीक है जी, तो ये मैंने बॉक्स में डालकर इसको मैंने फ्रीज कर दिया है। अच्छा जी, तो ये थी मेरी रमज़ान से एक दिन पहले की सारी तैयारी और कुछ क्लिप्स बाद के हैं। जैसे कि मैंने नेक्स्ट डे चटनी बनाई थी, तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह बहुत इजी हो जाता है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि चटनी भी बनानी है, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं अफ्तारी में। तो ये समोसे और चटनी वगैरह पहले से ही रेडी करके, तो ये बेसिक चीज़ें, और ये चाट भी मैंने बनाई थी फर्स्ट डे। इसके अलावा और भी शॉपिंग हमने की थी, ये कालीन लिए थे एक ड्राइंग रूम के लिए और एक मेरे रूम के लिए, और कुछ टॉयज़ भी लिए थे। तो इसकी अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।